नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाक्षी दीक्षित और आप देख रहे हैं अविरल टाइम्स। मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल सदन की कार्यवाही में व्यस्त हैं, ऐसे में वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं। वकील ने कोर्ट से आगे का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अंतिम मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई के लिए निर्धारित किया। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह ने पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तुरंत रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर लगाए गए कम से कम 2 मामले राजनीति से प्रेरित हैं। इमरान खान को जेल में रखने का मुख्य उद्देश्य उन्हें पाकिस्तान की राजनीति से दूर करना था। संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह ने जिनेवा में 18 से 27 मार्च तक अपने 99वें सत्र में 71 वर्षीय इमरान खान की हिरासत पर अपनी राय दी। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास अब हर बात का जुमला बनाने वाले लोगों से उठ गया है। यह बहुमत की नहीं बल्कि सहयोग से चलने वाली सरकार है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न मना रही थी, अब तक भारत नहीं लौट पाई है। इसका कारण बारबाडोस में आया तूफान हरिकेन बेरिल है, जिसके कारण टीम इंडिया होटल में फंसी हुई है और हवाई सेवाएं पूरी तरह से बाधित हैं। इस तूफान में हवाएं 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके चलते बारबाडोस का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घरेलू शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को लगातार मुनाफा हो रहा है। आज डिवाइन पावर के शेयरों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के SME प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार लिस्टिंग हुई। इसके साथ ही पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स द मनी फेयर यानी कि अकीको ग्लोबल सर्विसेज और एलाइड ब्लेडर्स के शेयरों की भी जोरदार लिस्टिंग हुई। सोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को 11% की बढ़ोतरी हुई और यह 11,187 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 2024 में अब तक स्टॉक 62% बढ़ चुका है। स्वस्थ बिजनेस आउटलुक के कारण कंपनी के शेयर BSE पर 11% चढ़ गए थे। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित और शार्वरी वाघ व अभय वर्मा अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया ने 100 करोड़ रुपए के क्लब में प्रवेश कर लिया है। कम बजट में बिना किसी बड़े चेहरे के बनी मुंजिया ने चौथे हफ्ते में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। अनिल कपूर ने बिग बॉस OTT के सीजन 3 के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। अनिल कपूर जो पहले कई बार सलमान खान के रियलिटी शो में मेहमान बनकर आ चुके हैं, अब जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT के तीसरे सीजन को होस्ट कर रहे हैं। उनका नया अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है और यही वजह है कि 8.8 मिलियन यानी 80 लाख से ज़्यादा व्यूज़ के साथ अनिल कपूर के रियलिटी शो ने पिछले हफ्ते भारतीय स्ट्रीमिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो और फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन मंगलवार को कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई। गौरतलब है कि फरवरी साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। बर्टलान हवासी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए बैठक का मुख्य विषय शांति स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ऑर्बन और जेलेंस्की हंगरी यूक्रेनी द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित वर्तमान मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। नेपाल में एक बार फिर सरकार बदलने की सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाली कांग्रेस और CPN-UML के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की कुर्सी जा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए अविरल टाइम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।